राजकुमार हिरानी डंकी की उड़ान तकनीक के बारे में बताते हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे फ्रांस में खड़े विमान में 276 यात्रियों ने यूरोप में प्रवेश करने का इरादा किया था। अवैध आव्रजन तकनीक पर केंद्रित राजकुमार हिरानी की शाहरुख खान अभिनीत फिल्म डंकी ने रिलीज के बाद से ही इस विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा पैदा कर दी है। निर्देशक प्रशांत नील की प्रभास स्टारर सालार पार्ट एक सीज फायर से बॉक्स ऑफिस पर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद निर्देशक राजकुमार हिरानी की डंकी, जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में है, एक सराहनीय प्रदर्शन दिखा रही है और अब तक केवल 9 दिनों में 340 करोड़ रुपए से अधिक की वैश्विक कमाई कर चुकी है। अवैध आव्रजन तकनीक के इर्द गिर्द केंद्रित इस फिल्म ने रिलीज के बाद से इस विषय पर महत्वपूर्ण चर्चाएं छेड़ दी हैं। हाल ही में 276 यात्रियों को ले जा रहे एक चार्टर विमान को संदिग्ध मानव तस्करी के कारण 4 दिनों तक फ्रांस में खड़ा रखने की घटना ने एक बार फिर इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया है। तकनीक और घटना के बारे में बात करते हुए फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी ने हाल ही में NDTV को बताया, इस तरह की खबरें हर महीने सामने आती है। एक भी महीना ऐसा नहीं बीतता जब लोगों द्वारा इस तरह से सीमा पार करने की खबरें नहीं आती हों। चूंकि हम अब इसके बारे में अधिक जागरूक हैं, इसलिए जब यह खबर बनाता है तो यह तुरंत हमारा ध्यान आकर्षित करता है। डंकी में फ्लैशबैक 1995 में सेट किया गया है। आजकल कई देश भारतीयों को आगमन पर वीजा प्रदान करते हैं, इसलिए अवैध रूप से प्रवास करने का तरीका बदल गया है। अतीत में लोग शारीरिक रूप से भारत से पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद तुर्की तक सीमा पार करते थे। वहां से वे नाव से ग्रीस की यात्रा करेंगे, फिर इटली और फिर फ्रांस चले जाएंगे। यह एक डंकी रास्ता था। कभी कभी लोग रूस के माध्यम से भी जाते थे, उन्होंने समझाया। यह उल्लेख करते हुए कि फ्रांस में खड़े 276 यात्री निकारागुआ जा रहे थे, एक देश जो भारतीय पासपोर्ट धारकों को आगमन पर वीजा प्रदान करता है, हिरानी ने टिप्पणी की, एक बार जब वे वहां पहुंच जाते हैं तो वे सीमाओं को पार करेंगे और यूरोप जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर आप पंजाब जाते हैं और कहते हैं कि डंकी लगानी है तो वे तुरंत समझ जाएंगे कि आपका मतलब क्या है। उस राज्य में हर कोई जानता है कि यह क्या दर्शाता है। हिरानी ने कहा कि इस विषय पर शोध करते समय उन्होंने उन लोगों से बात की जो या तो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते थे जिसने डंकी की थी या खुद ऐसा करने की प्रक्रिया में थे। उन्होंने पंजाब के एक व्यक्ति से बात की जो मेक्सिको में था और उसे यकीन था कि वह कुछ महीनों में सीमा पार पहुंच जाएगा।